देख रहे हैं रिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान को पल्ली तक लगाता गुना शहर का कंडेलगंज। यहां के रहवासियों के अनुसार मोहल्ले में सदैव गंदगी व्याप्त रहती है, जिसके चलते बीमारियों का खतरा बना रहता है। कंडेलगंज मोहल्ले में रहने वाले निवासियों ने बताया कि सुबह सफाई कर्मी आते तो हैं, वहीं और कचरा कंडेलगंज में लाकर फेंक देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर गाय एवं अन्य मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते कई बार बीमारियों का खतरा तो बना रहता है, साथ ही जब बैल आपस में लड़ते हैं तब जान का खतरा भी बन जाता है। रहवासियों के मुताबिक कई बार नगर पालिका में शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं बदला, वहीं कचरे के ढेर में विषैले जीवाणु और कीटाणु भी पैदा होने का खतरा बना रहता है। सफाई अभियान, अगर जैसे सफाई अभियान है तो मतलब क्या है सफाई अभियान का। कर्नलगंज में रहने वाले घनश्याम के मकान में चोरों ने विगत रात्रि धावा बोल दिया और उसके घर में लगे लगभग 8 बोरा गेहूं, रकम एवं नकदी ले उड़े। घनश्याम के मुताबिक वह अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए कोटा गया हुआ था, जिस दौरान चोरों ने घर पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विगत कई समय से देखने में आ रहा है कि गुना में अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस असमर्थ है, जिसके चलते आए दिन बड़े बड़े अपराध घटित होते रहते हैं। अभी तक पुलिस प्रेमी कॉलोनी में हुए बुजुर्ग महिला की हत्या और यूनियन बैंक के एटीएम में हुई लूट तथा दलवी कॉलोनी में स्थित ठेकेदार के मकान में करोड़ों की चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। ऐसे ही न जाने कितने और मामले हैं जिनमें पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। ये रहते हैं गाँव, क्या हुआ चोरी हो गई? क्या क्या चला है? चोरी में गाँव चले गए। कितने? 5-6 बोरा और कपड़े लत्ते चले गए, अपनी थोड़ी बहुत रकम भी थी वो भी चली गई, पैसे चले गए। करीबन कितने का सामान गया आपका? करीबन 30-35 हज़ार का सामान गया। अच्छा, गेहूँ मिला के? हाँ गेहूँ। तो आप लोग कहाँ गए थे जब ये चोरी? कोटा गए थे हम। किस लिए? इलाज करवाने के लिए। धरनावदा थाना के अंतर्गत सुकट गांव के नजदीक एक वृद्ध महिला का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो जाने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना टोल नाके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने धरनावदा पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत महिला के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। महिला की अभी तक शनाख्त नहीं हो पाई है कि वह कौन थी और कहां से आ रही थी। इसके साथ ही किस वाहन से उसकी भिड़ंत हुई यह अज्ञात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, साथ ही महिला के परिजनों को भी ढूंढने का प्रयास जारी है। थाने से मैं ऐसा ही एच एल चौरस किया, सुबह 6 बजे मालूम पड़ा ये भी रोड सुपट गांव के पास, ये भी रोड पर एक अज्ञात महिला का एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर आया तो वहाँ टोल नाके वाले भी थे, उनके द्वारा रिपोर्ट लिख लिखाने पर लिखी गई। अज्ञात महिला का कोई अज्ञात पानी एक्सीडेंट कर दिया है, उसके काफ़ी गंभीर चोटें थी, मौके पर ही मृत्यु हो गई है। अच्छा, तो उसकी उम्र करीब 40 से कम। कोई अभी तक अज्ञात ही है? अभी तक अज्ञात ही है। पत्नी के सामने पति की बेरहमी से चाकू से गोदकर कर दी हत्या। मामला कैंट थाना अंतर्गत ग्राम खेजरा का है। विगत रात 11 बजे देवेंद्र यादव को उसी के घर में उसकी पत्नी के सामने हत्या कर दी गई। इसके बारे में एडिशनल एसपी
टीएस बघेल ने बताया कि आरोपी मृतक का दोस्त था, जिसके चलते वह आसानी से घर में दाखिल हो गया। मृतक अपने खेत पर बने झोपड़े में सो रहा था, जिसको सोते समय आरोपी ने उसकी गर्दन एवं पीठ पर वार कर मार दिया। आरोपी मृतक को मार रहा था उस समय उसकी पत्नी कमरे में भी मौजूद थी। मृतक की पत्नी और उसके भाई की निशानदेही पर आरोपी को नामजद कर उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। थाना कैंट के ग्राम खेजरा में देवेन यादव, उम्र करीबन 30 वर्ष, निवासी है, जो अपने खेत में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। रात को करीबन 11 बजे एक संदेही हरिओम बाबा का लड़का आया और उसके गले पे और पेट पे धारदार हथियार से वार किया और मृतक घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई ने थाना कैंट पर दर्ज कराई, उसमें धारा 302 की कायमी करके अपराध विवेचना में लिया गया और संदेहों की पतारसी के लिए टीम भेजी गई है और यथाशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, रात में करीबन कितने बजे की घटना बताई जा रही है? ये 11 बजे करीबन की घटना है। और सर, कोई पुरानी रंजिश थी क्या? ये पुरानी रंजिश सामने अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं आई, लेकिन कुछ इनके परिचित है, जो मृतक है उससे परिचित है, वो उनको जानते पहचानते हैं और इन्वेस्टिगेशन में सब बातों का खुलासा किया जाएगा, क्या किन कारणों से हत्या की है। ठाकुर जी महाराज की गिरफ्तारी के विरोध में सवर्ण समाज ने आज राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बता दें कि विगत दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में सवर्ण समाज ने रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर पंडित लगन शास्त्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ हुआ। वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में प्रशासन से यह भी कह डाला कि चंबर और मारवाड़ की धरती गुना अभी तक शांति का टापू कहलाती थी, लेकिन अब चंबल का खून उबलने लगा है। माननीय महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी एसटी एक्ट के संशोधन के फैसले के विरुद्ध संसद में अध्यादेश लाकर काला कानून बनाया गया, जो भारत की सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी काले कानून के विरोध स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आगरा उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रेस वार्ता की जा रही थी। उसी समय सरकार के इशारे पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा ठाकुर जी को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। हम सर्व समाज के बंधु इस अनैतिक कृत्य की घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, साथ ही दोषियों को दंड देने की मांग करते हैं। अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है, हम जी आज के ज्ञापन का संदर्भ यह है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी को, जो कल शांतिपूर्ण ढंग से
आगरा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शासन के इशारे पर, केंद्र शासन के और राज्य शासन के इशारे पर वहाँ पुलिस प्रशासन और लोकल प्रशासन ने उनको बिना बात के उनको गिरफ्तार किया है और उनको प्रताड़ित किया। हम इस कार्य की घोर निंदा करते हैं और आज का ज्ञापन का संदर्भ यह है कि हमारे संपूर्ण विश्व की धरोहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथाकार पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी को जो शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रेस वार्ता कर रहे थे आगरा के एक होटल में, वहाँ राज्य शासन और केंद्र शासन के इशारे पर उनको प्रशासन ने, लोकल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया और उनको प्रताड़ित किया। इसके हम घोर निंदा करते हैं। सर्व समाज के बंधु, इसी तारतम्य में आज हम माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। देश में इस प्रकार की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं हो और इस प्रकार की जो दमनकारी नीति है ये सरकार की बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होंगी। अब हमारा सर्व समाज जाग चुका है और ये चंबल से जो और मालवा की जो धरा है वो शांति का टापू माना जाता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि चंबल का पानी अब उबलने लगा है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर, सजने लगे गणेश जी के दरबार। इन दिनों शहर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जिसके तहत जगह जगह गणेश प्रतिमाओं के स्टॉल लग चुके हैं। साथ ही शहर में गणेश प्रतिमाओं की झांकियों की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बाजार में जहां देखो वहां गणेश प्रतिमा ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल गणेश चतुर्थी है, जिसकी तैयारियां शहर में जोरों पर चल रही है। विराजेंगे प्रथम पूज्य गणेश जी। इसी कड़ी में लायनेस क्लब की महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने और उसे सहेजने के नियत से आज बनाई इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं, जिनके कल स्थापना की जाएगी। क्लब की महिला सदस्यों ने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया और सभी ने यह तय किया कि बाजार में मिलने वाली गणेश प्रतिमाएं जिनमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता उन्हें न खरीदते हुए खुद अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाएंगी। मैं आपको नॉर्मली अपना काम करते रहा हम इको फ्रेंडली गणेश जी बना रहे हैं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। इनकी पूजा करके फिर जब हम इनको सिलाएंगे तो वातावरण को पानी खराब ना हो, इसलिए हमने मिट्टी की गणेश जी बनाने का सोचा। और हमारे क्लब की लॉयनेस क्लब गुना सिटी की सभी हम सब रेडी हैं, सब अपने घरों में मिट्टी की गणेश जी रखने का हमने सबने प्रण लिया है कि हम सब यही गणेश जी बनाएंगे और यही अपने घर में रखेंगे। बाजार वाले केमिकल यूज़ करते हैं, POP रहता है तो उससे वो सब पानी खराब होता है। तो अभी हम सब लोग, पूरे क्लब के सभी लोग मिट्टी की गणेश जी बना के अपने घर में रखेंगे। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।